दोस्तों हमारी आयरन फाइव ठीक हो गई। ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो अंदर आ गए हैं क्योंकि मुझे आपको कुछ जरूरी बातें बतानी थी। अरे यार दादा वीडियो तो मुझे आपको कुछ बातें बतानी थी। वो बातें कुछ ऐसी थी कि आप बोलोगे कि बाइक वापस आ गई। बाइक खराब ही कब हुई थी, हमने तो बस तेरी वीडियो में देखी नहीं। मैं टूटते हुए मतलब कुछ कुछ बाइक को कुछ हुआ है। लेट मी टेल यू अ स्टोरी। पहले मैं आपको कुछ फोटोज दिखाता हूँ कि मेरी बाइक टूटी हुई थी, कैसे टूटी हुई थी, देख लिया। और अब मैं आपको बताता हूँ। यार दादा प्लीज प्लीज बंद कर दीजिए, ये अपना ये भोपू बंद कर दीजिए। तो यार मैं आपको स्टोरी बताता हूँ। मैं बताता हूँ, मुझे सब पता है। चुप। तो हुआ कुछ ऐसा था कि खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। अनदर लोकेशन चेंज के लिए मैं माफी चाहता हूँ। वहाँ बुड्ढा पड़ा हुआ था तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था रिकॉर्ड करना। अभी पड़ा है तो भाई मैं बता रहा था, ये बात है 15 फरवरी क्या बोल रहा हूँ ताले तू। तो ये बात है 15 अगस्त की, एक महीने डेढ़ महीने पहले की ये बात है। तो भाई हुआ कुछ ऐसा था, 15 अगस्त की राइड थी और मेरे पास आपको पता है दो बाइक थी उस टाइम पे, एक अभी भी है जीना 100 और R15। तो मैंने अपने भाई को बोला चलेगा राइड पे, उसने बोला चलूँगा, मेरे पर बाइक नहीं है। तो मैंने बोला अब क्या करें भाई, तो मैंने उसे अपनी R15 पकड़ा दी, समझ गए। तो मैंने उसे अपने R15 पकड़ाई और उसके बाद मैं जीना 100 में गया। तो हम टीरी जा रहे थे, हम बहुत सारे दोस्त थे, हम लगभग 6-7 दोस्त थे, तो 6-7 पता नहीं कितने थे। तो हम टीरी जा रहे थे, तो टीरी जाके क्या हुआ भाई, आते टाइम ठीक है, जाते वक्त तो बिल्कुल मज़ा आया, मज़ा आ गया राइड पे, मस्त मौसम हो रखा था, राइड पे गए आए एकदम आ रहे थे। तो आते वक्त हम दूसरे रास्ते से आ रहे थे और मेरे भाई ने R15 चला रहा था वो रॉन्ग साइड चला रहा था। क्या होती है, हमें इस लेन में चलना होता है, वो इस लेन में चला रहा था ठीक है। और इस लेन में चलाते चलाते वहाँ से टर्न से गाड़ी आ रही थी, बहुत हल्की स्पीड थी उसकी भी, 20-20 स्पीड थी, उसकी भी 20-20 स्पीड थी। तो मैं आया और ठुक, अब क्या आपको क्या लगा रहा था बच के निकल गए होंगे, नहीं, अंकल ने पकड़ा। और पकड़ने के बाद कुछ ऐसा किया जो आप सोच भी नहीं सकते। तो सीन शुरू हुआ, अच्छा फाइट वहां हो रही है, एक पीछे से मेरी कुर्सी में से मेरी कमर में धम 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 फू फू जो 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 ले ढुम 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 धम धम गुर गुर। बस यार आप समझ गए होंगे कि मेरी बाइक कैसे टूटी थी। मैंने आपको फोटो दिखा दी, मैंने आपको स्टोरी बता दी। मेरी आपने अगर फोर्थ वीडियो देखी होगी इस चैनल की, फोर्थ वीडियो, उसमें बस मेरी बाइक का पीछे की टेल टूटी थी, बस मैं उसको लेकर टेंशन में था। उसके बाद भाई 15 अगस्त को मेरे भाई ने पूरी बाइक ही तोड़ दी, इधर की फेयरिंग पूरी निकल गई थी, मतलब खत्म हो गई थी पूरी बाइक, तो उसने इंश्योरेंस पे दिया। तो भाई दो महीने तो वहीं चले गए, कहीं पता नहीं लगा। तो भाई बिना बाइक के इतना अजीब लग रहा था, मैं बोल रहा यार कि मतलब जीना 100 मेरे पास थी पर फिर भी मतलब उस बाइक को बहुत पहले से मतलब एक साल से चला रहा हूँ भाई, बहुत अच्छी लगती है अपनी बाइक को यार, मेरी फेवरेट बाइक है। पर वो तो बात रह गई आपकी बाइक की ख़राब होने की, अब तो ठीक हो गया आ गई है, पर बाइक पूरी तरह से अभी ठीक नहीं हुई है। दिखाऊं? दिखाओ ना। अरे नहीं पीयूसी प्लीज। अरे नहीं यार बॉबी बॉस शो। दिखा रहा हूँ भाई, दिखा रहा हूँ, ऐसा मत करो। माय गॉड दिस इज द थिंग। सिर्फ ये बचा है, टेंशन मत लो, मतलब टेंशन आप क्या ही लोगे, मतलब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो बाइक का वाला पार्ट भी अभी ठीक हो जाएगा, कल ठीक हो जाएगा, पार्ट सब कुछ अवेलेबल है। उन्होंने बोला भैया अभी टाइम नहीं है, अभी उनको और बाइक ठीक करनी थी, तो उन्होंने बोला भैया अगर आप इसे नहीं छोड़ना है तो छोड़ दो, ले जाना तो ले जा लो, पर परसों आ जाना और ठीक कर दो। मैं अपनी बाइक कर ली थी परसों, मतलब कल मैं वापस जाऊँगा और बाइक को ठीक करा दूँगा, तो कोई बड़ा इश्यू नहीं है। और आपको दिखा दी। तो ब्रो अब मैं जा रहा हूँ अपनी बाइक को राइड करने फिर से, देहरादून जा रहा हूँ, कुछ सामान भी लेना और राइड भी हो जाएगी मस्त एकदम। तो देखते हैं यार कि कितना मज़ा आता है, बहुत टाइम बाद अपनी बाइक चला। वैसे मैं शोरूम से नहीं लाया था अपनी बाइक कोई बहुत टाइम बाद, मतलब राइड कर लिए, पर मुझे थोड़ा दूर तक जाना है, देखना है भाई, बहुत मन कर रहा है। लेट्स गो बेबी लेट्स गो। फाइनली ब्रो, माय गॉड ओ माय गॉड, इतने टाइम बाद फैमिली वाइब्स आ रही है भाई, मतलब फैमिली वाइब्स, मतलब कहने का मतलब है कि बहुत अच्छा लग रहा है भाई, बहुत मस्त लग रहा है, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या फीलिंग हो रही है बताए, तुम्हें कैसे समझाओ कि मैं कैसा फील कर रहा हूँ, मैं कैसे बता सकता हूँ, मैं आपको बता ही नहीं सकता, क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा है इतने टाइम बाद अपनी प्यारी सी ब्लू बर्ड पे। और अब कहाँ मैंने ये बताना भूल गया था, नो फ्रोजन ओनली ब्लू बर्ड, मतलब मैंने इसका नाम वापस ब्लू बर्ड रख दिया है।
सो वेटिंग फॉर सिग्नल बेबी। और इधर से है छिदर वाला, उसके बाद है देहरादून, मतलब उसके बाद नहीं, दूर है जो भी है। माय गॉड कितना टाइम लगता है यहाँ पर। यहाँ देख कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो रूल तोड़ते हैं और तो पुलिस इनकी तोड़ती है। वहाँ खड़ा हो गया, ये गुड बॉय, लेट्स गो बेबी अपन रोड। भाई मैं ना सर्दियों में आता था भाई गॉड इस रोड पे, मतलब काफ़ी कमाया हुआ वारन भाई में, सर्दियों में आता था भाई, सर्दियाँ वापिस आने वाली है वैसे। बहुत मस्त भाई, पेट्रोल देखो पेट्रोल ही नहीं है भाई, रुकना जाए कहीं पर भी भयंकर। जल्दी जल्दी फ्यूल अप कराते हैं भाई, उसके बाद सीधा देहरादून। यार भयंकर गलत टाइम पे निकल गया, पता है रात होने वाली है, 5:30 बज गए भाई साहब। ये सीन मुझे खतरनाक लगता है भाई, जब रात को चल जाते हैं ना गलत टाइम पे तो खतरनाक सीन हो जाता है भयंकर। भाई फ्यूल भरा दिया मैंने पूरा, मतलब पूरा भी नहीं, 5-10 का फ्यूल भरा दिया, अब अपने भाई आराम से चलेगी। भाई ये सनसेट को देख के इतना सकून मिल रहा है ना अभी, सच्ची बता रहा हूँ भाई, इतना प्यारा लग रहा है क्या बताऊँ। वाइल्ड राइडिंग टू सीइंग अ सनसेट, पता नहीं मैं अपनी इंग्लिश को क्या बोल रहा, क्यों झाड़ता हूँ मैं इंग्लिश, पता नहीं झाड़ता हूँ बस, झाड़ने दो भाई। देहरादून जा रहा हूँ, मैं देहरादून जा रहा हूँ क्योंकि मुझे लेना है GoPro का, आपने देखा होगा GoPro का ट्राइपॉड, मुझे GoPro का ट्राइपॉड लेना है यार, क्योंकि ना वो हाथ दिखते हैं, पता है आपने मेरे ब्लॉग में देखा होगा मेरा हाथ दिखते हैं जो कि मुझे बहुत बेकार लगता है, तो मैं सोच रहा है GoPro का ट्राइपॉड देख लेते हैं, बढ़िया सा अच्छा वो हो जाएगा, माउंट हो जाएगा। काफ़ी टाइम से वैसे भी कुछ लिया नहीं मैंने GoPro के लिए, तो भाई लेते हैं GoPro का एक माउंट लेना। अरे एक मुझे लेना है रेजिस्टेंस बैंड, ये अपनी मतलब अपने वर्कआउट के लिए मुझे रेजिस्टेंस बैंड लेना है, और रेजिस्टेंस बैंड का मुझे यूज़ करना है अपने वर्कआउट के लिए। क्या उल्टा सीधा बोल रहा हूँ मैं, घुमा फिरा के बात छोड़ता हूँ, मुझे रेजिस्टेंस बैंड लेना है अपने वर्कआउट के लिए, वो बात बोल ली मैंने फिर। ए भगवान, ओके ओ भाई रियल राइडर तो ये जा रहा है भाई। खतरनाक खतरी, चल इसको खतरी को आज टक्कर देते भाई, आज खतरी का खतरा बनाते हैं। ओके गाइस स्प्लेंडर वर्सेस R15 कौन जीतेगा कौन जीतेगा, नहीं कंपटीशन ही नहीं। ठंड स्टार्ट होगी गाइस, नहीं ठंड हो रही यार, मतलब ठंड सी लग रही है भाई, सर्दियों का मौसम मेरा फेवरेट है भाई, मुझे पता है बैंकर आते जाते लोगों का मौसम सर्दियों का फेवरेट होता है, पर पता नहीं है अलग अलग चॉइस होती है, मेरे सर्दियों का मौसम बहुत बढ़िया लगता है भाई। मेरी जितनी मेमोरीज बनी है ना सारी सर्दियों की बन रही है, बाइक भी मैंने सर्दियों में ली थी, बाकी चीज़ें भी सर्दियों के साथ हो रही है, जो भी यार छोड़ो यार। तो भाई लोगों हम पहुँच चुके हैं कहाँ पर, देहरादून पर, ओके लेट्स गो। और अभी मैं जा रहा डेकाथलॉन, पता नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ मैं, प्रोनाउंसिएशन मेरा सही है शायद, डेकाथलॉन। मुझे वहाँ से खरीदना रेजिस्टेंस बैंड, क्योंकि यहाँ पर देहरादून में नए स्टोर खुला है डेकाथलॉन का, जो कि काफ़ी सही चीज़ें देती है भाई स्पोर्ट्स की। मैं बस होप करता हूँ वहाँ पर रेजिस्टेंस बैंड भी हो, और मैं अभी गूगल की मदद से जा रहा हूँ भाई, मुझे गूगल पता नहीं कहाँ कहाँ भटका रहा है, तो समझ भी नहीं आ रहा भाई। एक बार सनराइज़ देखो, एक बार देखना, ओ सॉरी सनसेट, सॉरी, लेट्स गो बेबी डेकाथलॉन, वी आर कमिंग, सॉरी आई एम कमिंग, वी आर कौन भाई, मेरे साथ मेरे गाइज भी हैं, गाइज चलोगे ना मेरे साथ डेकाथलॉन, क्या आपने वीडियो स्किप भी कर दी क्या, मतलब आप तो पहले ही छोड़ चुके हो। सो भाई बाइक कर दी मैंने, आगे करनी है, ओके आगे करनी है, शिट यार बोलने भी देते हैं, ओके वापस बोलूँगा अपने डायलॉग। तो भाई हमने बाइक कर दी है अपनी पार्क, हो जा ये पार्क ही नहीं हो रही, हो गई, ओके लेट्स गो। ओ माय गॉड हम पहुँच गए हैं कतलन स्टोर के अंदर, और भाई यहाँ तो सच में सब कुछ है, वो रहा हमारा रेजिस्टेंस बैंड मिल चुका है भाई, स्टोर तो काफ़ी बढ़िया लग रहा है सच्ची बता रहा हूँ, यहाँ पर आपको सारी स्पोर्ट्स की चीज़ें मिल जाएंगी भाई। तो अभी यहीं पर रहा, ये रहा हमारा रेजिस्टेंस बैंड जो कि काफ़ी बढ़िया है यार भाई, यहाँ इतने सारे सामान रखे हुए ना, मन कर रहा है एक एक करके सारी चीज़ें खा ले जाऊँ, पर इतना महंगा, ये नॉर्मल चीज़ ही देख लो भाई कितनी महंगी है, सबसे कम वाला है 1000 का। बहुत बढ़िया है पर क्वालिटी बहुत बढ़िया है सच्ची बता रहा हूँ, देखा मैंने क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। और एक शायद मुझे अभी एक डिप बार भी लेना है, वो भी मुझे चाहिए था, मेरी मम्मी देखेगी बहुत गाली देगी, पर मुझे चाहिए भाई। अभी तक मैं फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहा था भाई, हेलमेट था हाथ में, इतनी दिक्कत हो गई थी, पर अब GoPro हाथ में
और मैं आपको ढंग से दिखाऊंगा मुझे क्या क्या चाहिए। सबसे पहले तो मुझे ये चाहिए, ये वो ही लग रहा है, नहीं आई वो नहीं है। सबसे पहले तो मुझे वो चाहिए, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उस चीज़ को, स्टोर में आते सब भूल जाता हूँ मैं कि क्या क्या लेना था। रेजिस्टेंस बैंड और एक डिब्बा। ये डिब्बा, अब डिब्बा ढूंढता हूँ, सबसे पहले मुझे डिब्बा देखना है भाई। डिब्बा बोल रहा हूँ मैं, सॉरी डिब्बा देखता हूँ उसके बाद बताता हूँ। मैं थोड़ी शर्म से आ रही हूँ। दो और आ रही है भाई, मैंने अभी लोगों से पूछा कि यहाँ पर डिब्बार कहाँ है, वो बोले सबसे आगे। मैंने सबसे आगे देखा, मुझे मिल नहीं रहा है, मुझे घुमाया जा रहा है इधर से उधर। मैं एक और बार देखने जा रहा हूँ, देखता हूँ भाई मिलता नहीं मिलता। दिमाग ख़राब हो गया भाई लिटरली, घूमते हो हो लालच में नहीं पड़ना। यहाँ कहीं डिब्बार है ही नहीं, यहाँ तो रख ही नहीं रखे। जो मेन चीज़ थी वो ही नहीं मिला, कम से कम रेजिस्टेंस बैंड तो मिल गया, वही लेके निकलते हैं भाई। अब क्या ही कर सकता हूँ, अब मैं चाहता हूँ कि मैं इन्हें एक बार टेस्ट भी कर लूँ। तो मैंने भैया से पूछा, भैया क्या मैंने टेस्ट कर सकता हूँ? उन्होंने बोला एक सेकंड रुकिए, हम किसी को बुला रहे हैं, लेट्स सी क्या मैं को टेस्ट करने देंगे। चलिए आए भाई दिस वन, मेरे को ये बहुत बढ़िया लगा, मैंने अभी करके देखा, काफ़ी मस्त था। वीडियो इसलिए बना पाया क्योंकि यार शर्म आ रही थी, ऊपर से लड़की आ गई हो रही, थोड़ा अजीब सा लग रहा है मेरे को, पता नहीं क्यों शर्म आती है भाई। ये आधा छुड़वानी पड़ेगी सबसे पहले। आए हैं सेंटा क्लॉज झोला भर के आए हैं भाई। रात हो गई है, मुझे नहीं लगता मैं व्लॉग कर पाऊँगा आगे, काफ़ी मस्त मौसम भी है साथ में। और भाई मैंने सोचा था कि मैं व्लॉग तो कर लूँगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पर अभी पता है मुझे ना सोचना, मैं ट्राईपॉड लेने भी जाऊँ, ये तो मैंने ले लिया। अभी ट्राईपॉड लेने के लिए मुझे उल्टा जाना पड़ेगा, काफ़ी दूर हो जाएगा। मैं सोच रहा हूँ अगले दिन ही आऊँगा ट्राईपॉड लेने के लिए, क्योंकि अभी आपको मेरे हाथ दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे ना, तो लेट्स गो बिना ट्राईपॉड के ही व्लॉग करते हैं, मेरे ख्याल से वही बेस्ट रहेगा। तो क्या करें फिर, अब व्लॉग एंड करें? नहीं, व्लॉग एंड नहीं करते, ढोल बजाते हैं भाई। अगर कोई देख रहा होगा ना, इतनी बेइज्जती हो रही होगी ना, बोल रहे होंगे भाई पागल क्या कर रहा है, पर मुझे यही देख रहे क्या सब भाई? देख रहे हैं भाई। और सबसे मस्त चीज़ मुझे ये रेजिस्टेंस बैंड मुझे चाहिए था। दूसरी चीज़ तो मुझे बोली थी ऑनलाइन मंगा दीजिए सर, बहुत सस्ता है, उनका बहुत सस्ता था 5,000 रुपये। मैंने नहीं बहुत है, इससे अच्छा मैं नया हेलमेट लूँगा अपने लिए। ओके, तो उम्मीद करता हूँ ब्लॉग अच्छा लगा होगा। ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। टिल देन बी सेफ, राइट सेफ, रन सेफ, अलाना सेफ, बुलाना सेफ, बाय।